स्वास्थ्य विभाग में हुए तथा कथित पीपीई किट घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर नाहन में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर ने नाहन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होना प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार मामले को लेकर जाँच की मांग कर रही है, मगर उचित जाँच तभी संभव है अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यदि इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है तो वे अपने पद से निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। वहीं मुसाफिर ने यह भी कहा कि हिमाचल भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सरकार के बीच जो लड़ाई चल रही है वो जल्द खत्म होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई की अभी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार देखने को मिला कि जब सरकार के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को जानने के लिए भी उत्सुक हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ना कि इस वैश्विक महामारी के दौरान हमारा देश और प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है और आज लॉकडाउन जो है वो विफल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से देश में विश्व जो ये कोरोना के जो मरीज बढ़े, प्रदेश में भी ये इंक्रीज पर है। और सबसे दुखदाई जो घटना है वो ये है कि इस आपदा के काल में जो बहुत बड़ा हेल्थ स्कैम हुआ है वो एक बहुत बड़ा शर्मनाक है और उसकी जितनी भी निंदा है वो की जानी चाहिए। सरकार से हम कांग्रेस पार्टी के लोग ये मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि साफ पाक हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते ताकि हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनसे जाँच हो और निष्पक्ष जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। इस दो ढाई साल के अंतराल में आपदा के इस काल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार सरकार की संरक्षण में हो रहा है तो लोग खुद कह रहे हैं कि सरकार कितनी जो है वो साफ पाक है। भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन और सरकार की जो ज्वाला भड़की है वो अभी समाप्त होने वाली नहीं है, शांत होने वाली है। अभी तो शुरुआत और लोगों ने पहली बार सरकार के खिलाफ खुल कर जो है विद्रोह किया है और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो संगठन और जो सरकार है उसका जो अपना मुतालबा है वो जग जाए। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मौजूदा सरकार और उसके आला नेताओं पर जुबानी हमला करने का एक बड़ा मौका मिला है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी मंच पर इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहती। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।